हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्लास्टिक की बाल्टी का चित्र बनाना शुरू करते हैं। बाल्टी बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। इसका मुंह बनाने के लिए ऊपर हम 12 सेंटीमीटर रखेंगे, 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, और नीचे 9 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी साढ़े इससे एक सेंटीमीटर, इतना थोड़ा सा ऊपर, एक सेंटीमीटर करीब ऊपर, 4.5 सेंटीमीटर इस साइड में और 4.5 सेंटीमीटर इस साइड में, टोटल 9 सेंटीमीटर, और रफली इसको इस तरह से मिला देंगे। इसका मुंह बना लेंगे। प्लास्टिक की बाल्टी में इस तरह से पलटी हुई किनार होती है। इसका हैंडल बनाने के लिए प्लास्टिक का ही एक टुकड़ा नीचे निकला हुआ होता है। अब इसकी अनावश्यक लाइनों को मिटा देंगे। इस तरह प्लास्टिक की बाल्टी बन गई है। अब इसमें छाया प्रकाश दिखाते हैं। इस साइड डार्क दिखाया है, इसलिए बाल्टी के अंदर वाले हिस्से में उसके अपोजिट इस साइड से डार्क दिखाएंगे। इस साइड से हल्का शेड दे देंगे। इस साइड से हल्का हल्का शेड देंगे। कहीं कहीं अनावश्यक लाइंस दिख रही हैं, इसलिए हम कॉटन से शेड को बराबर कर रहे हैं। शेडिंग करते समय कहीं भी हाथ को रोकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा इनिशियल छाया प्रकाश हो गया है। अब हमें जहां पे ज्यादा डार्क दिखाना है, हाईलाइट करना है, वहां पे हम फिर से छाया प्रकाश, छाया दिखा के उसको हाईलाइट करेंगे।
अब अपनी बाहर की लाइन को डार्क करेंगे। इसमें इस तरह पेंसिल ना चला के हम पेंसिल को इस तरह चलाते हैं। ऐसा करने से हमारी लाइन मोटी बनती है। बाल्टी की छाया दिखा देंगे। इस तरह हमारी प्लास्टिक की बाल्टी बनकर तैयार है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये चित्र आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में इसी तरह के एक अन्य चित्र के साथ फिर मिलते हैं।